मेरा नाम रवीना है और मेरा नाम शिवांका है। हम लोग केयर पार्टनर हार्ट सेंटर गाज़ियाबाद जो कि नंदग्राम में है वहाँ पर काम करते थे। अभी 6 अप्रैल को हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ है जो कि हम आप सबके साथ आप बीती बताना चाहते हैं, जो कि हमारे साथ बीता है। हम लोग, मैं खुद 2017 से यहाँ पर काम कर रही हूँ। 2017 से 2020 अच्छे से जा रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा था। अचानक से 2 महीने की सैलरी थी मेरी फरवरी और मार्च की। मैंने अपील की अप्रैल में कि मेरी सैलरी क्यों नहीं आई है, मुझे मेरी सैलरी चाहिए क्योंकि मेरे घर चलता है मेरी सैलरी से, आप लोग मेरी सैलरी मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करिए। मैं जानना चाहती हूँ कि अब तक मेरी सैलरी क्यों नहीं आई है। सेम इसके साथ भी यही सिचुएशन हुई और ऑन सडन हमारे पास 6 तारीख को फ़ोन आया था। तो सबसे पहले मेरे पास फ़ोन आया था तो उन्होंने बोला कि हम आपको निकाल रहे हैं। हमारे पास हेड ऑफिस से मेल आया है कि शिवाका रवीना को निकाला जाए। हमने पूछा भी था कि हमें क्यों निकाला जा रहा है, क्या रीज़न है, तो हमें कोई रीज़न नहीं दिया उन्होंने, ना ही हमें ऐसी कोई बात बताई कि उस वजह से हमें निकाला जाए। मगर फिर भी हमने उनसे पूछा, हमने हेड ऑफिस ने भी फ़ोन किया, किसी ने हमारा फ़ोन नहीं उठाया, ना ही हमें कुछ बताया। हमारे जो HOD हैं उनसे भी हमने पूछा, उन्होंने भी हमें कुछ भी नहीं बताया। पहला फ़ोन इसी को आया था जो कि मुझे इससे पता चला है कि इसके पास HOD सर का फ़ोन गया है कि हमें निकाला जा रहा है। तो हम लोगों ने फ़ोन किया, रीज़न पूछने की कोशिश करी, लेकिन किसी ने हमें रीज़न नहीं बताया। अचानक से हमें टर्मिनेशन लेटर आया हमारे क्या हाथों में, लेकिन हम समझ नहीं पाए कि हमें क्यों टर्मिनेट किया जा रहा है। इस लॉकडाउन के टाइम पे हम कहाँ जाएं, किसकी मदद मांगे, किसकी सहायता मांगे कि हमारी सैलरी नहीं आई और हमें दोनों तीनों जनों को टर्मिनेट क्यों किया गया, उसका रीज़न कंपनी नहीं बता पा रही। और कंपनी में हमने जिसको फ़ोन किया तो वो कहते हैं जो करना है कर लो तुम लोगों को, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आया कि हम क्या कर पाएंगे। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली हैं, हम लोग DM ऑफिस गए हैं, SP ऑफिस गए हैं, हम लोग ADM ऑफिस गए हैं, हमें कहीं से भी मदद नहीं मिल रही है। हर जगह कंप्लेंट दर्ज कराई थी मगर किसी ने भी हमारी नहीं सुनी। इवन हम लोग नंदग्राम की चौकी पे भी गए, हम लोग ने सबसे हेल्प मांगी लेकिन हमारी हेल्प कहीं नहीं करी गई। इसीलिए आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप हमारी मदद करें। हमारी इस वीडियो के माध्यम से हम अपने प्रधानमंत्री मोदी जी तक ये बात पहुँचा सकें, आप हमारी मदद करिए। सबसे पहली बात, जब घर में राशन नहीं है, घर में गैस नहीं है तो कैसे काम करें, क्या करें, फाइनेंशियल वीक है। हमारे पापा भी बेड रिडन है जो कि हम पैसे भेजते थे अपने घर में, वो भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। इस परेशानी, इस दौर में हम क्या करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी बात, हमारे पास कोई नतीजा नहीं है। बस ये सोच रहे हैं कि जो लेटर हमने लिखा, हमने DM सर के पास पहुँचाया, हमने ADM सर के पास पहुँचाया, उसके बाद भी हमारी सुनवाई नहीं है, उसके बाद भी हमारी कोई भी नहीं सुन रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग ऑफिस में बात करने की कोशिश करते हैं तो वो लोग हमें एक सीधा सा जवाब दे देते हैं कि आपसे जो होता है कर लो। तो ऐसे कैसे हम लोग कैसे करें, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये होती है ना कि इस टाइम पर राशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, गैस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि अभी हमारे घर में परेशानी है। आप लोगों से विनती है कि आप लोग हमारी मदद करें, किसी भी तरीके से आप लोग हमारी मदद करें। और मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, मेरे पास लास्ट ऑप्शन है कि मैं सुसाइड कर लूँ, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग करें क्या, बिना राशन पानी के, बिना सैलरी के, बिना जॉब के क्या करें क्या नहीं करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब कुछ हमारे ही ऊपर है क्योंकि हम ही अपनी फैमिली को देखते हैं, अपनी फैमिली को चलाते हैं, घर पे पैसे भेजते हैं। मेरी मम्मी बीमार रहती है, इनके पापा भी बेड पे हैं, तो हम परेशान हैं कि हम करें तो करें क्या। एक तो लॉकडाउन है, कहीं हम जॉब नहीं देख सकते हैं, हमारी 2 महीने से सैलरी भी नहीं मिली है, हम इतने परेशान हैं कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम करें तो करें क्या। आज हमारी गैस भी ख़त्म हो गई, हमारे पास राशन भी नहीं है कि हम कुछ कर सकें, हमारे पास कुछ भी नहीं है ऐसा कि हम कुछ कर सकें। प्लीज़ हमारी मदद की जाए। दूसरी चीज़ ये है कि जो भी हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, कंपनी की पावर इतनी है कि कंपनी सारी बातें दबा देती है। बस आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री मोदी सर तक ये बात पहुंचा दें, जिससे कि वो हमारी बात को समझे और
जो कुछ करना है उनके आदेश के अनुसार हो, क्योंकि हमारे लेटर का, हमारी एप्लीकेशन का, हमारी अपील का कोई भी फ़ायदा, कोई भी फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है। प्लीज़ आपसे अपील है कि आप लोग हमारी मदद करें, प्लीज़ हमारी मदद की जाए। हमारी रिक्वेस्ट है, हमारी सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्लीज़ हमारी मदद करी जाए, ताकि हमें घर की फैमिली चला सके। प्लीज़ प्लीज़ हमारी मदद की जाए।